अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमिर है, ठीक है ना। मेरी वालदा पेशावर से, मेरे वालदा का फ़ोन आया था, ठीक है ना। तो मेरी कज़न की शादी है। अच्छा, हाँ। तो सर मुझे सिर्फ दो तीन चीज़ें चाहिए। उनकी दुकान है ना, वहाँ से मुझे कुछ दो तीन चीज़ें चाहिए जो मैंने लेनी है। सर मेरा नाम आमिर है, ठीक है ना। मेरी कज़न की शादी है दो दिन बाद, तो मुझे कुछ दो तीन चीज़ें चाहिए। किस्तों पर सिर्फ बोल दे, सिर्फ दिलवा दें। सिर्फ बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, सिर्फ आप फिटनेस दे दें वहाँ पर ना, कि मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ले मैं लूँगा, पेमेंट मैं करूँगा। मेरी वालदा वहाँ परेशान है पेशावर। मुझे अपनी वालदा को ना एक वाशिंग मशीन और एक टीवी मैंने भिजवाना है। मेरे पास एक गारंटर कोई भी नहीं है, फिटनेस कोई नहीं है। इसलिए मैंने किस्तों पर वो सामने कुछ सामान लेना है। उन्होंने ये फिर उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया, बोला कि फॉर्म आप लेकर चले जाओ, अपना एक विटनेस लेकर आ जाओ, हमारा सामना करवा दो, हम आपको सामान दे देंगे। तो मेरी पेशावर में ना शादी है कज़न की, तो मेरे वालदा का फ़ोन आया था कि ना एक टीवी और एक फ्रिज मैंने भिजवाना है। तो मुझे किसको भी चाहिए एक टीवी और एक फ्रिज? पैसे मेरे पास है, लेकिन मेरे पास विटनेस नहीं है। आप सिर्फ वहाँ आकर एक सामना करवा देंगे ना, कि भाई इस बच्चे को मैं जानता हूँ, सिर्फ इस बच्चे को जानता हूँ, आप सामना करवा देंगे, वो सामना कर लेंगे। सिर्फ आप इतना बोल देंगे, इस बच्चे को मैं जानता हूँ, सिर्फ टीवी। मैं कैसे बोलूँ सर, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तुम्हें जानता हूँ, सिर्फ वो मेरा विटनेस मांग रहा है कि आपने कोई गारंटर है ना, आप उनको लेकर आ जाए। भाई मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आपको कैसे विटनेस मिल नहीं। एक इंसानियत के नाते हो सकता है ना कि मेरी कज़न की शादी है, आप एक मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। एक इंसानियत के नाते आप बताएं, मेरे घर वाले पेशावर से तो नहीं आएंगे ना, पेशावर से तो नहीं आएंगे। वहाँ से पैसे तो भेज सकते हैं, वहाँ से खरीदने के लिए। तो लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे बताएं ना। उन्होंने मुझे कॉल कर दिया ना, नहीं पैसे हैं मेरे पास, पैसे मेरे पास हैं, लेकिन सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हम स्टॉल मिलकर हम किस्तों पे जब देंगे, जब आपने फिटनेस देंगे। अब कोई यहाँ पर मेरा जानने वाला नहीं, तो मेरी वालदा की है मेरी विटनेस कहाँ से? नहीं, सिर्फ आप इतना बोल दीजिए कि मैं इस बच्चे को जानता हूँ। वो बोल रहा भाई किसी भी कोई बड़े को लेकर आ जाओ, और ये बोल रहे कि है ना ये आपको जानता है। नहीं है मेरे पास इस वक्त शनाख्ती कार्ड। सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बहन की मेरी कज़न की शादी है वहाँ पर पेशावर में, ज़रा ख्याल कर लें मेरा। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप पेशावर में मैं क्या मुझे खाऊंगा क्या है ना, मैं अपने अम्मी को मैं कुछ भिजवा नहीं सका, उनको मुझसे बड़ी उम्मीद है। मेरे भाई जान जहाँ मैं रहता हूँ मैं आपको लेकर जाऊँगा, आप मेरा घर देख लीजिएगा। यार मैं क्या आपको कातिल लग रहा हूँ, मैं क्या मर्डर लग रही हूँ, मैं कातिल लग रहा हूँ क्या, चोर लग रहा हूँ क्या? सिर्फ मैंने अपनी बहन के लिए एक टीवी भिजवाना और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो यार बना लेना मुझे, मामू का बना ले दो मिनट के लिए, मामू का बना ले, नानी का बना ले, पप्पो का बना ले दो मिनट के लिए, आप मेरी बहन के लिए कर नहीं सकते क्या? सर अभी आप मिल लिए ना, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे दूंगा। छोड़, इंसान का बच्चा बन, ऐसा मारूंगा थप्पड़ खींच के। नहीं तो सर थप्पड़ खींच नहीं, तुम कैसे पकड़ रहे हैं, इंसानियत है तुम्हारे अंदर? तो इंसानियत की बात है, आप मेरे वाले साहब की जगह है। मारूंगा फिर क्या, मैं बकवास करता हूं। तो मैंने आपके साथ कोई बुराई की है जो आप मुझे मारेंगे? नहीं, तुमने कैसे पकड़ा? नहीं आपने, मैंने कहा जो बात कर रहा हूं, तुमने कैसे पकड़ा? सर मेरी कजन की शादी है और मुझे तुमने जबान नहीं कहना, मैं बातचीत जबान से कहना, मैं बात करो, आज से तुमने क्यों पकड़ा? सर मैंने यूं करा, यूं करके, यूं करके करा। क्या मतलब, ये करना गलत है क्या, ये करना गलत है क्या? और क्या है तुम्हारी, क्या मेरी? मैं आपको पूरे घर का एड्रेस दे देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब मैं आपको। मुझे कोई जरूरत नहीं, आप किसी और को कॉल करना। नहीं मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप आया अगर एक ये बोल दे, जान पहचान नहीं है, अगर आप कल को कहीं निकल जाओ और वो मुझे पकड़ ले फिर मेरा क्या होगा? जान मैं सड़कों में होऊंगा और क्या होगा? मैं आपको पूरा घर का एड्रेस दे रहा हूँ, अपना मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी लाइफ कहाँ पर है? तो आप पेशावर में मेरी फैमिली है, मैं नहीं हूँ, मेरी फैमिली, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो बात हाथ छोड़ने की नहीं है भाई, सिर्फ एक मिनट भाई, वहाँ पर चले ना मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ चले जाना। सर बड़ी मेहरबानी होगी सर, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, आप सिर्फ आप दो मिनट के लिए आ जाए, आप सर दो मिनट के लिए आ जाए ना, सर दो मिनट के लिए आ जाए, सर दो मिनट के लिए आ जाए, सर दो मिनट के लिए आ जाए ना, सर आ जाए ना। होता ना मैं आपसे ये नहीं बोलता, मैं आपसे भीख नहीं मांगता, सिर्फ मेरा कोई है नहीं यहाँ पर, जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ। सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सिर्फ एक फिटनेस आप दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकर आता हूँ ना, तीन चार को लेकर आता हूँ, फिटनेस लेकर आता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप मेरी बात सुन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बहन वहाँ पर बैठी हुई है और भाई बोल रहा है ये मेरा फोन ही रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको, हर बहन एक बहन होती है, ठीक है ना? अगर आप बोलते ना मैं आपको वैसे ही दे दूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने कैमरे छुपाए हुए हैं दुकान के अंदर, वो हमारा कैमरा छुपा हुआ है। ना मुझे फर्नीचर चाहिए, ना मुझे टीवी चाहिए, ना मुझे पेशावर जाना है, मैं कराची का हूँ, पेशावर में मेरी फैमिली है, वो एक अलग है, ठीक है? वो कैमरा लगा हुआ है, वो देखे दुकान के अंदर, वो नजर आ रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे आपको कवरिंग हो गई है, वो सामने कैमरा लगा हुआ, वो देखें।